श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, कुम्मन दास जी के पुत्र। यह रट लागी लाढ़िले लगे नैन निमेश, एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी तो एक आध पंक्ति गावे के मूड में आप बजा रहे हो, अब बजा दियो तो बजाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि ये पंक्तियां यहीं गाई गई हैं, यहीं गिरिराज जी में ही बैठ करके श्री चतुर्भुज दास जी ने गाई। महाराज जी पुष्टि मार्गी वैष्णवन के प्राण हैं ये। पुष्टि मार्गी वैष्णव या पद को सुने बिना उनको कोई कामनाएं होवे, इतनो प्यारो पद है। और इस पद की पूरी आप व्याख्या यदि सुनेंगे तो ये परम धर्म का निरूपण कर रहा है। यहां पर चतुर्भुज दास जी की भक्ति देखो, वो कम नहीं हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। कहां गुरुदेव की आज्ञा हो गई है कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका दर्शन करने के लिए चलेंगे, और चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरण पकड़ करके रो रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्य को आज्ञा करो कि कल वो उदय नहीं हो जाए, क्योंकि कल यदि सूर्य उदय हो गया तो गुरु जी मुझको लेकर के द्वारिका चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले दारी के माऊ तो मैं ही बैठा हूं, तो रो काई को रो है, द्वारिका चलो जा, वहां जाके मेरे दर्शन कर लियो, वहां पे भी तो मैं ही बैठा हूं। चतुर्भुज दास जी खड़े हो गए, बोले अच्छा वहां पे भी आप ही बैठे हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तो आप भी वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भी तो भक्त हैं, ब्रज में काहे को बैठे हो, या ब्रज में रहवे की कहा आवश्यकता ठाकुर, जाओ वैकुंठ में ही रहो, वहां नारद हैं, वहां पर सुख सोनकादि हैं, वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पे बड़े बड़े भक्त हैं आपके, वहीं चले जाओ, हम अस्त सखान के संग काय को बैठे हो यहाँ पे। ठाकुर जी मौन हो गए, बोले है कोई उत्तर आपके पास? ठाकुर जी बोले भक्त तो हैं, लेकिन तेरे जैसे प्रेमी ना है कुंभना, तेरे जैसे प्रेमी ना है चतुर्भुज दास, और या ब्रजवासी जैसो प्रेम थोड़ी है वह वैकुंठ में। वही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बोले द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में यमुना जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी गिरिराज जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी श्यामा जी नहीं है, ऐसी द्वारिका में कैसे जाऊं नाथ? आप प्रार्थना आपसे, आप कहो ना सूर्य को कि वो प्रकट ना हो, मोए नाए जानो ब्रज छोड़ करके। लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इतने कभी कभी ठाकुर जी पे खूब गुस्सा आवे कि काय को भक्तन को परेशान करो करें। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी ने मान जाते बात को कि भाई गुरुदेव के मन में ऐसी कोई भावना प्रकट कर देते कि गुरुदेव कहते चतुर्भुज दास तुम रहें तो तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं द्वारिका। पर नहीं, ठाकुर जी तो और अदबद के गुरुदेव के मन में भावना प्रकट करा रहे हैं, बोले चतुर्भुज दास को तो संग लेके ही जानो है। से प्रमाणित होता है कि विरह यही देते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया, जो विरह आ रहा है यही देते हैं विरह। सुबह का सूर्य उदय हुआ, झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं, बोले आप कुछ करोगे नहीं ना, कर दो ना प्लीज, रोको ना कैसे भी करके मुए। तभी गुरुदेव आ गए, बोले ए चतुर्भुज दास चलो द्वारिका निकलना है, गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। निकल गए, गुरुदेव के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं, बोले आपको दया नहीं आ रही है ना,
आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो ना। जब तक गिरिराज जी दिखते रहे, जब तक पर्वत दिखता रहा, जब तक ध्वजा दिखती रही, तब तक तो कुछ नहीं, पर जैसे ही गिरिराज जी का अंश दिखना बंद हुआ, वही मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए तब चतुर्भुज दास जी ने पहले एक दूसरा पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे से पहले एक पद और गाया, उस पद का शब्द है, कितने दिन है जो गए बिन देखे। जब होश में आए तो गुरुदेव ने उठाया, बोले चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब चतुर्भुज दास जी व्याकुल हृदय में कहते हैं, गुरुदेव कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखे हुए। गुरुदेव बोले, अभी 5 मिनट पहले ही तो निकले हम गिरिराज जी से, तुम कह रहे हो कितने दिन हो गए। तो यहां पर वो कड़ी मिल जाती है गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे कन्हैया, जब तुम गैया चरावे जायो करो, वास समय हमारी आंखन की पलक यदि झपक जाए, तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी भई पलक भी 3 युग के समान लगती है। बंधुओं, कभी कभी लगता है हम तो इस स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते, जैसी स्थिति में चतुर्भुज दास, जैसी स्थिति में गोपियां और ये सब है। गुरुदेव से बोले, मुझे आपकी आज्ञा पालन ना करने का अपराध स्वीकार है, लेकिन मैं गिरिराज जी से दूर नहीं जा सकता। और तब रोते हुए आए, दोनों भुजा उठा करके गिर पड़े गिरिराज जी की तलहटी में। और जब स्वर निकला तो श्रीमद भागवत जी प्रमाण है कि कृष्ण दर्शन की लालसा जब होती है तभी गीत निकलता है, इसीलिए गोपी गीत निकला। और तभी कलयुग में एक गोप ने गीत गाया, गो मेरे धनवासी सांवरे, गो लाल तुम बीन रे ओ न जाए, लाल तुम बीन रे ओ न जाए रे, नहीं गाऊंगा बहुत बड़ा है, पर मैं रोज एक दो पंक्ति गाऊंगा। श्री गिरिराज जी की तलेटी में अच्छा भाव, कुछ प्रवचन करने का अवसर मिलेगा इस पद पर। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले कि नाथ मेरी क्या अभिलाषा है, आपको कैसे देखना है मुझे। चतुर्भुज दास जी का भाव देखो, ठाकुर जी आपको कैसे देखना चाहता हूं। हे बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखा, ओ पंक चितई मुस्काई के पंक। हमारे पूज्य नाना जी इसका अर्थ इतना सुंदर कहते हैं, बोले लाला ठाकुर जी के पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो, लेकिन आज चतुर्भुज दास जी ने एक बात और बताई। बोले कहा, बोले जे लाला जब मुस्कुरावे ना तो केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे, दोनों ने पीछे ना करे, न्यो हंसे। अब हम तो हंसे ही ना सके, एक तरफ से हंसते पंख चितई मुस्काए के, आहा एक तरफ से हंस रहे हैं बस, दूसरी तरफ के होठ हिले नहीं है, बस एक तरफ से हंस रहे हैं। पंक चिते मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए, हे नंद नंदन जब आप अपनी बांकी मुस्कान से हंसते हो ना, तब हमारी स्थिति क्या होती है पता है आपको? लोचन तड़पे मी धरी बिहार,
जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है ननाथ, ऐसी स्थिति आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी एक क्षण की वो मुस्कान, उसके बाद आप चले जाते हो। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है, बिन जल मछली। हे नाथ, आपके बिन अब नहीं रह सकते। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी कहते हैं अहेतुकी भक्ति, और इसी को कहते हैं परम धर्म। और यही मेरा आपका हर कंठीमाला धारण करने वाले का, हर वैष्णव तिलक धारण करने वाले का, हर ठाकुर जी की सेवा करने वाले का यह धर्म कर्तव्य है कि उसके चित्त में अहेतुकी भक्ति आए।